आस्था प्रकृति का संगम और छठी मैया को समर्पित छठ महापर्व सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया। सुबह 6:27 पर सूर्योदय हुआ और इसके पश्चात ही अलग अलग छठ घाटों पर पूजा के चौथे दिन उगते सूरज को श्रद्धालु ने अर्घ्य दिया। छठ महापर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर को नहाय खाय से हुई थी। इसके बाद दूसरे दिन खरना हुआ था। तीसरा दिन यानी कि रविवार अस्तचलगामी सूर्य को व्रतियों ने अर्घ्य कर दिया था। आपको बता दें सोमवार यानी कि चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का समापन हुआ। इस दौरान छठ स्थल पर उचित व्यवस्थाएं की गईं। पूजा स्थल पर शहीदों को याद करते हुए एक दिया शहीदों के नाम पर भी जलाया गया। इधर पुलिस प्रशासन की ओर से भी पूरी व्यवस्थाएं की गईं। आपको बता दें विश्व हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। वेदों में सूर्य देव को जागृत जगत के आत्मा कहा जाता है। सूर्य ने प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। सूर्य के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य, तेज और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। छठ पूजा पर सूर्य देव और छठी माता के पूजन से संतान सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पहले हैं।